you know, it's not like that. For Japanese people, actually it is cartoon. So I was like, okay, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा. You know, it's not like that. For Japanese people, actually it is cartoon. So I was like, okay, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा. मुझे नहीं पता. But हाँ, you know, for actually अगर तुम Japanese में देखो तो कुछ के लिए ये कार्टून भी हो सकता है, कुछ के लिए एनिमे हो सकता है. सबके अपने, हाँ ये सबका अपना अपना है कि कैसे तुम उसे, तुम्हें अच्छी स्टोरी चाहिए, अच्छा प्लॉट चाहिए, मस्त कैरेक्टर चाहिए. देखो ना एनिमे, क्या तुम इधर उधर भाग रहे हो, रिवरडेल देख रहे हो. और तुम्हारा फेवरेट एनिमे, रीसेंट फेवरेट? रीसेंट फेवरेट, ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग रीसेंट फेवरेट, वरना मैं तो ऐसे एक लिस्ट गिरती आती जो 3-4-5-6 किलोमीटर तक चलती रहती. मेरा रीसेंट फेवरेट आई गेस, आई थिंक रीसेंट फेवरेट जुजुत्सु कैसन बोलूंगी, बिकॉज यू नो फॉर अ न्यू एनिमे इट्स वेरी गुड. अच्छी मतलब थोड़ी है वैसी, ये नहीं कहूंगी बहुत बेसिक प्लॉट लाइन है यार, क्या ओवररेटेड एनिमे, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं. अच्छी प्लॉट लाइन, काफी अच्छा है. कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलैरिटीज लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स से, और पर ओवरऑल कहूँ तो इन्होंने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन के साथ बनाया है. अच्छी स्टोरी लाइन है, बढ़िया, मतलब कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे हैं, और मजा आएगा इसको आगे देखने में. मतलब अच्छा एनिमे, मतलब रीसेंट फेवरेट कहूंगी तो ये अच्छा है. देखने में मजा आया. मापा यार बहुत ही अच्छा सीरियल है. देखो पता है क्या, एक बेचारे एनिमे को हाइप क्या मिल जाती है, सब लोग ओवररेटेड ओवररेटेड चिल्लाने लगते हैं. हां एक्चुअली मतलब वो डिजर्व करता है ये हाइप. हाँ यार, अब तो मैं समझ रही हूँ. अब पता है मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, अगर अटैक ऑन टाइटन, मतलब अटैक ऑन टाइटन आई गेस कुछ उस, जब पहली बार एयर हुआ था 11-10 इसी टाइम पे हुआ होगा, मुझे याद नहीं टेक्निकली किस टाइम पे हुआ था, इसी टाइम पे हुआ था. उसके बाद काफी लंबा ब्रेक, फिर आया था सीजन 2. ठीक है, तो मैं बता रही हूँ इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ना अटैक ऑन टाइटन की, अगर इसको उस समय हाइप नहीं मिलता ना तो आज मैं जितने फैंडम है ना नहीं देख रहा होता है इसको. अबे इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है और इतनी वेल रिटन स्टोरी है कि मैं क्या बताऊं. और अगर इसको ढंग की हाइप नहीं मिलती ना, क्योंकि जो गैप था ना उसमें इसने काफी वो कर लिया, काफी फैंडम बना लिया अपने लिए कि सीजन 2 कब ला रहे हो, पागल बना दिया तुम लोगों ने, कहाँ है ये राज राज बंद करके रखे हुए हैं. तो भाई इसको हाइप मिल गई ना तो इसको भी ओवररेटेड कहते हैं. मैंने कहा तुम लोग गधे हो यार, क्या कर रहे हो, तुम लोग को थोड़ा सा ना रिसर्च करनी चाहिए. अच्छा एनिमे है, अच्छी स्टोरी लाइन है, बट यही है एक एनिमे हाइप क्या पाता है तो सब ओवररेटेड बोलने लग जाते हैं. हाँ और भी अच्छा एनिमे तो मैं बताऊं, साइकोपैथ के पास अच्छा खासा फैंडम है ही नहीं, बहुत ही धांसू एनिमे है. पर क्यों नहीं है, क्योंकि आधी जनता को समझ ही नहीं आया क्या है एनिमे, मतलब काफी लोगों को नहीं समझा, कंफ्यूज आत्मा की तरह इधर उधर घूम रहे, क्या हो रहा है, चिन्या तो है नहीं दूसरे सीजन में, हम नहीं देख रहे. कुछ तो ऐसे होता है कि पहले जापानीज में निकला, भले वो इंग्लिश सब नहीं है, देख कर आ जाते भाई, हाँ हमने तो एक देख लिया. ओ भाई मुझे तो एक ये सब डब वाली वर्ड समझ नहीं आती, मैं ऑनेस्टली बताऊं. आज मुझ मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे फेंक के मारेंगे लोग, क्या ये सब डब देखती है, इसको तो पकड़ के मारो. ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसी बात, देखो पता है क्या, आई लव बोथ सब एंड डब. मैं पता है, और मुझे दोनों पसंद है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जितने आने में डब होता है, मतलब हो के आए होते हैं, मैं उनको भी देखती हूँ. और मैं सब तो, मैं यकीन नहीं होगा, मैंने हाइक्यू दोनों में देखा है और 6 बार देखा है. और हाँ, मैं बता रही हूँ, हाँ 6 बार देखा है. मैं इतना, मैं पागल थोड़ी सी, मेरे को खुजली मचती रहती है वापस बिंज वॉच करने की. मैंने भी मेरा फेवरेट एनिमे 10 टाइम्स देखा है.
मैंने भी देख रखा है. इट्स नॉट अबाउट फेवरेट एनिमे, मतलब जो एनिमे मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इसको रिवॉच करेंगे ना तो उसमें कुछ मजेदार ईस्टर एग्स मिलेंगे. जैसे मैंने ना अटैक ऑन टाइटन में बता रही हूँ, आई थिंक सो 20 बार देखा है सारे सीजन एक साथ लाइन में. Okay. और मैंने बता रही हूँ, जब मैं रिवॉच करती हूँ तो मैं हमेशा मेरी बहन, मेरा भाई कोई भी बगल में रहता है ना तो मैंने बताती हूँ, वो देखो ऐसा हो रहा है ना क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है. तो वो कहते अरे तुझे कैसे पता? मैंने कहा अरे मैंने 5-6 बार नोटिस किया, मेरे को समझ आ गया. मतलब बिंज वॉच वापस करने की मेरी बहुत गंदी आदत है, पर है, अब डिजर्व करता है तो मैं क्या करूँ, है ना. और मैं दोनों में देखती हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे दोनों पसंद है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि डब अच्छा होता है किसी चीज का और कई बार ऐसा होता है सब अच्छा होता है, तो मैं बस कंपेयर करने के लिए अच्छी तरीके से दोनों को एकदम छाप चाट मारती हूँ. ऐसा कहती हूँ इसको तो देख लूंगा. ज्यादा लड़ाई हुई डेथ नोट वाले पे, डब या सब? क्योंकि वो जो लाइट की हसीनी थी उस पर हुआ हाँ. सबसे ज्यादा कि डब में कितना गंदा हंस रखा और ऑफिशियल जापानीज में कितना अच्छा है. अब देखो देखो पता है क्या, ऑनेस्टली बताओ डब डेथ नोट इज वेरी गुड, इज वेरी गुड एक्चुअली. जो वॉइस एक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट काम किया था. बट हाँ वो हंसी थोड़ी वियर्ड थी. ऐसे तो ओया ओया भी खराब कर दिया था इन लोगों ने. जब भी मैं तो जब भी ओया ओया वाला सीन आता था हाईक्यू का तो मैं उसको जल्दी से सब्ड कर देती थी, उसको सुनती थी तो मेरे कानों को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है और फिर मैं उसको वापस डब कर देती थी और फिर देखती थी, अगर मैं डब देख रही थी तब. बट हाँ हंसी थोड़ी वियर्ड है, बट मैं ओवरऑल पूरा एनिमे ढंग का है तो एक हंसी की वजह से आप ये नहीं कह सकते डब बेकार है. तो मेरा तो कहना ये है, मैं बता रही हूँ मैं दोनों के साइड हूँ, मैं ऐसे दोनों में मेरे पैर रखे हुए हैं और यहाँ पे वॉर चल रही है कुछ इस टाइप का सीन है. और अगर आपको किसी एक एनिमे में ये सताया तो कौन सा वर्ल्ड होगा? मे बी हाईक्यू. मतलब ये नहीं कहूंगी. ओके सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन दो भैया. बट देखो मैंने कभी, मैं सोचती हूँ कि मैं हर वर्ल्ड में, क्योंकि जब भी मैं कहने में देख लेती हूँ ना, मैं बता रही हूँ मैं अपना एक नया कैरेक्टर बना देती हूँ और वो कैरेक्टर स्टोरी के साथ कैसे जाएगा मैं ये सोचने लगती हूँ. मैं बहुत मैं खाली बैठी रहती हूँ नल्ली, बनाती रहती हूँ. मतलब उसी स्टोरी में अपना मैं कोई कैरेक्टर गुजरने की कोशिश करती हूँ. बट हाँ मैं चाहूंगी तो ओके लेट मी थिंक, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. अटैक ऑन टाइटन इज अ ग्रेट वर्ल्ड फॉर इफ यू वांट टू डाई, इट्स अ ग्रेट वर्ल्ड. बट ऑल्दो तुम्हें तुम्हें कूल, अगर कूल बनना है तो अटैक ऑन टाइटन में जाओ बिकॉज बहुत कूल है वो. हाँ नॉट ओनली लीवाय, कौन बोल रहा था हम यही बोल रहे थे लीवाय के वर्ड्स, गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड डाई. हाँ एग्जैक्टली, मतलब यही. पर पता है क्या, अगर तुम्हें कूल बनना है ना, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है टाइटंस वगैरह या ओडीएम भी है, तुम जाओ. मैं तो मैं कहूंगी जब मेरा जिंदगी से एकदम वो छूट जाता है ना तब मैं सोचती हूँ अटैक ऑन टाइटन में होते काश, बच पाते क्या. मैं भी याओई वाली हूँ, याओई फैन गर्ल. अरे यार याओई से ज्यादा, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं है. मैं क्या बताऊँ इतना देखा, कैसे अभी हमें हेट कमेंट मिलने वाले हैं. अरे क्यों मिलेंगे यार हेट कमेंट्स, मतलब इन लोग को हमारे ओपिनियन है ना. हाँ पसंद है किसी को यूरी पसंद है, हमने तो नहीं बोला यूरी चूतिया है क्या है यूरी, हमने ऐसा तो नहीं बोला. सारे लव अच्छे होते हैं यार, रिस्पेक्ट करो उसको. बस मेरा कहना ये है सब अच्छा है यार, तुम बिल्ली कुत्ते से प्यार करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार प्यार है ना. तुम क्यों इधर उधर बोल रहे हो, हाँ यही पसंद है, छी इसको तो मारेंगे चूते से, क्या है ये. तुम पसंद करो ना तुम्हें जो पसंद है. मतलब मैं बता रही हूँ रीडू हीलर का फैंडम है, फैंडम है, महागदी सीरीज. अरे भाई मेरे को उस बंदे की शक्ल देखकर अजीब लगता है, भले हाँ भाई सैड स्टोरी है उसकी, लेकिन यार उसकी शक्ल देख लोग, मैंने देखे लोग उस एनिमे को जस्टिफाई करते हैं तुम्हें पता है. और लोग फिर कहते हैं हाँ, एंड देन पीपल से कि याओई क्यों पसंद है तुम्हें, तुम क्या हो गे हो क्या. मैं एक्सक्यूज मी किसी को भी, और मैं स्पेशली बता रही हूँ उन लड़कों से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है ना जिनको याओई पसंद है. एंड ऐसा नहीं है कि सब ने, और सब
किसी मुझे मैं कोई क्वेश्चन करने वाली नहीं होती कि तुझे आउट पसंद है तो तू ऐसा ही होगा, इस टाइप का मैं कभी नहीं कहती। मैं तो बोलती तू गले लग जा मेरे, मैं तू और मैं आज से बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब मैं बता रही हूँ हाँ बेस्ट मेरे हैं यार। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को यावी से इंट्रोड्यूस कराया, वो कहती तूने मुझे जन्नत दिखा दी यार, तू क्या 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 हरकत कर दी तूने। और इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग फैंटेसाइज कर रहे हैं, हम लोग ना इट हैज ग्रेट स्टोरीज यार। तुमने यावी जॉनर की स्टोरीज इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी, मतलब स्टोरी यार पता है। और पता है क्या, मैं एक बहुत सीक्रेट बात बताती हूँ, जब मैंने, तुम लोग को पता है ना स्मट मांगास क्या होती है, मेरे को पता है ना, पता है ना? पता चला मैंने बच्चों को करप्ट कर दिया। तो मेरी जो सब, मैं जब एक बार ऐसे, मेरा एक टाइम था, एक टाइम पीरियड था मेरी लाइफ में जब मैं एनिमे से बोर हो गई थी और मैं सिर्फ मांगा ब्राउज करती थी, ऐसी रैंडम मांगास पढ़ती थी। तब अभी कुछ दिन पहले यही हाल था मेरा। मैं भी आजकल यही करती हूँ। मांगा ज्यादा बेटर लगता है। मैं मानवा पढ़ती हूँ, मानवा भी बहुत अच्छी होती है, अभी मानवा पे भी आएंगे। रुको जो मैं, तो उस टाइम पे मैं बता रही हूँ कि जब मैं ब्राउज करती थी तब मैंने जो सबसे पहली स्मट जब जॉनर वो करने को आता है ना, फिल्टर करने को कि कौन सा जॉनर, तो मैंने स्मट पे एक बार दबाया और उस पे काफी यावी थी, तो मैंने पहली स्मट यावी ही पढ़ी। और मैं बता रही हूँ धन्य हो गया मेरा बदन, मैंने कहा अरे भगवान क्या दिखा दिया आपने, क्या मस्त चीज है ये, तुम कहाँ हो भगवान, मैं खोज भी निकल जाऊंगी पैर पकड़ने आपके, इतना अच्छा। अगर कोई ऐसी मानुआ मांगा मिल जाए ना जो पसंद आ जाए, हम कहते यार जन्नत दिखा। सही हाँ। मांगा का तो अपना लाइक, manga is great. I'm actually getting one of my friends, वो बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी, like I love her for this. उसने मेरे लिए यावी manga खरीदी and I'm going to start my yaoi collection now. It's like yes finally मुझे मिल गई. Like just appreciate the beauty man, just appreciate it. और फिर तुम दूर से भाग जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, छूना नहीं इन लोगों को, गंदे गंदे नजरों से मत देखना। तुम कॉस्प्ले छोड़कर कुछ और करती हो एक्सेप्ट कॉस्प्ले? अपार्ट फ्रॉम कॉस्प्ले, बेसिकली आई शुड से कि अपार्ट फ्रॉम आर्ट आई डू कॉस्प्ले। मैं आर्ट जनरली, मतलब आर्ट इन द सेंस आई एम एक्चुअली अ फ्रीलांसर जो कमीशन भी लेती है, और यू नो आई डू पेंटिंग्स एंड drawings and sketchings and per color pencil and whatever you want to think about. Printouts वगैरह कहीं करवाते हो print पर? नहीं, मैं printouts वाले नहीं बेच रही हूँ अभी फिलहाल, because I don't think कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं अपने original art style को लाके you know बेच सकूँ, but actually I sell glass paintings. Have you seen those anime glass paintings जो you know reels पे आती हैं? तो उस type की मैं बेचती हूँ। तो उस टाइप को मैं बेचती हूँ अभी फिलहाल, एंड आई रिसेंटली आई थिंक इसी साल मैंने स्टार्ट किया होगा उसे। आई एक्चुअली फर्स्ट ट्राइड इट ऑन माई ग्लास जो मुझे एक फ्रेम से टूटी हुई मिली, जो टूटी नहीं थी, फ्रेम टूट गया था, ग्लास बची हुई थी, तो आई यू नो स्टार्टेड ऑन दैट। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि आप इसे सेल कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ पैसे दो, आप आत्मा ले जाओ मेरी, मुझे पैसे चाहिए यार, बहुत दिक्कत है अपने को। तो उस समय मैंने स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे मेरे पास ऑर्डर्स आने लगे, देन आई आस्क पीपल इफ यू कैन यू नो शेयर दिस ऑन योर स्टोरी, तो बहुत मेहरबानी होगी, हम गरीब हैं। मैं गरीब हूँ भगवान। एग्जैक्टली, तो वही हुआ कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे मेरे पास एक्चुअली काफ़ी ऑर्डर आने लगे। आई थिंक सो 11-12 ऑर्डर आए थे लास्ट मंथ, बट उसके बाद अभी सब स्टैगनेंट है। अगर तो जस्ट सेइंग कमेंट्स में लोग, अगर आप लोग को जेन्युइन मार्सेलो का प्रोडक्ट चाहिए, प्लीज़ विजिट माय इंस्टाग्राम और वहाँ से आप मेरे को कमीशन दो, मैं आपको
आत्मा दूंगी अपनी, आप दो तो सही. जस्ट किडिंग. अरे अगर हमें कुछ पसंद आया तो हम जरूर ही खरीदेंगे ना, पसंद आने वाली चीज होगी तो. और मैं बहुत सस्ता सामान बनाती हूँ यार, मैं बहुत सस्ती इंसान हूँ, मैं सस्ता सामान बनाती हूँ. तो हाँ उस एंड हाँ, और कमीशन की वजह से आई, जब मुझे कमीशन मिलना स्टार्ट हुआ, देन आई पुट दैट कमीशन अमाउंट ऑन माय कॉस्टप्लेस. तो मैं आर्ट करती हूँ और उसका पैसा मैं अपने कॉस्टप्ले में लगाती हूँ, समथिंग लाइक दैट, इफ दैट मेक्स सेंस. वैसे आपको एनिमे फैंडम कैसा लगता है, मतलब जो हम इंडियंस करते फैंडम? ओह माय गॉड, फैंडम. हाँ मैंने आई थिंक सो दो तीन देखे, जो आई थिंक सो एक तो शायद नैना ने ही डब किया है ना, कौन सा था वो, कौन सा अनुहाना वाला देखा था क्या मैंने, कौन सा वाला? इतने सारे हैं यार, मैं क्या बताऊं, काफी अच्छे अच्छे हैं. आई थिंक एनिमेटियम भी पहले करा करता था, वो भी देखे हैं, अच्छे हैं. अब यही है कि फैंडम की वजह से भी अगर यू नो पॉपुलर हो जाए, मतलब पॉपुलर इन द सेंस कि अच्छी एक और कम्युनिटी बने जहाँ पे इजियर हो लोगों के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग इतने नहीं है एंड हिंदी को ज्यादा प्रेफर करेंगे. रैपिडली फेमस हो रहा है कि मैं खुद ही बता सकती हूँ, सारे लोग डबिंग कम्युनिटी में आते जा रहे हैं ना, विच इज वेरी ग्रेट एक्चुअली. बहुत अच्छी बात है. और फैन डबिंग के ही उससे देखा नहीं था अभी, फैन डबिंग कॉम्पिटिशन था, उसमें कितना ज्यादा लोगों को मजा आया जिन्होंने पार्टिसिपेट उसमें से. लाइक डबिंग एज अ वॉइस एक्टर, वॉइस एक्टिंग शुड बी अ ग्रेट फील्ड अगर अच्छी तरह डेवलप हो जाए इंडिया में. एंड आई थिंक सो एनिमे कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन इट, क्योंकि यू नो इतने सारे एनिमे हैं उनको डब करना, क्योंकि तुम देख लो यहाँ पे के ड्रामास डब होते हैं, यहाँ पे पता क्या क्या चीज़ें डब होती हैं हिंदी में, और काफ़ी वॉइस एक्टर्स हैं. और अच्छी बात है अगर ये कम्युनिटी यू नो डबिंग एज अ वॉइस एक्टिंग कम्युनिटी अगर थोड़ी ग्रो करे इंडिया में थ्रू यू नो फैन डब्स और यूट्यूबर्स जो करना चाहते हैं. मोस्टली वायरल होती जा रही है. हाँ. लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं होते, पर कुछ ये बोलते फैन डब बेकार है, कि एक बार देखो तो तब ना पता चले. मतलब लोग कोशिश करते हैं यार, दे हैव कई लोग के पास तुम्हें पता नहीं कि कहाँ तुम्हें टैलेंट मिल जाए, कई तो ये भी हर चीज फ्री में कर रहे हैं और लेकिन तब भी ना प्रॉब्लम. अरे मैं बता रही हूँ, करो अब देखो तुम्हें जो करना है करो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग क्या क्या बोलेंगे लोग ये सब, क्योंकि हम जिस लाइन में है ना, जो हम कर रहे हैं वहाँ हमने बहुत सुना है तो हमें पता है. पर ऐसा कुछ मत करो जहाँ पे किसी को आप ऑफेंड कर रहे हो या किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो, बस जो आप करना चाहते हो उसको करो. आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, बट ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे यार क्या मजेदार काम कर रहे हो, तुम लोग करते रहो, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं कौन कौन तुम्हें मार रहे हैं, हम उसको मारेंगे. मतलब ऐसे लोग भी होते हैं, सपोर्टिंग लोग मैंने देखे हैं.